आखिरकार लंबे थकाऊ उबाऊ इंतजार के बाद अंततः मध्य प्रदेश में विभिन्न राज्यों की सीमा पर बनी करीब 40 से ज़्यादा जांच चौकियां यानी आरटीओ चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ गुजरात मध्य प्रदेश की सीमा पर एमपी के पिटोल चेक पोस्ट पर। आप पीछे देखिए, पहले यहाँ पर वाहनों की कतार लगा करती थी और अब यहाँ पर हालात ये है कि पूरा सुनसान पड़ा हुआ है और बैरिकेडिंग करके यहाँ पर स्टॉप के बैरियर लगा दिए गए हैं। दो दिन से यहाँ पर कोई भी वाहन नहीं आ रहा है। सीधे वाहन गुजरात से आने वाले बैतूल अहमदाबाद हाईवे से अंदर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा ही तमाम आरटीओ बैरियर पर हो गया है, चाहे वो शाहपुर का हो, चाहे वो सेंधवा का हो, तमाम बैरियर बंद कर दिए गए हैं। दरअसल इन बैरियर्स पर ये लंबे समय से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आरोप लगा रहा था कि ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं, उनको अपना व्यापार व्यवसाय करने में दिक्कतें आ रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर उनसे वसूली होती है उससे उनको दिक्कतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी ये डेलीगेशन कई बार मिला था, लेकिन आश्वासन मिले थे, आदेश भी जारी हुए थे, लेकिन चेक पोस्ट बंद नहीं हुए थे। लेकिन विधानसभा सत्र की शुरुआत होने के ठीक पहले सरकार ने आदेश जारी करके फिलहाल इन चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। नई जो व्यवस्था दी जा रही है वो अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था में जो आरटीओ के इंस्पेक्टर होंगे, जिसे परिवहन निरीक्षक कहा जाता है, वो और उनका स्टाफ चेकिंग पॉइंट तय करेगा, वहाँ पर वो खड़ा रहेगा और उनकी मदद के लिए होमगार्ड से डेपुटेशन पर परिवहन विभाग में कुछ जवान लिए जाएंगे, वो उनकी वहाँ पर गाड़ियों को रोकने में, जांच पड़ताल करने में मदद करेंगे। लेकिन इससे क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ऐसा करना नई बोतल में पुरानी शराब जैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी चेक पोस्ट के अगर इंचार्ज थे तो वो भी एक परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर होते थे। वही कर्मचारी जो आप चेकिंग पॉइंट पर तैनात करेंगे वो भी यहीं पर तैनात थे। प्राइवेट जो कटर्स थे वो बस हटा दिए गए हैं, उनकी जगह अब होमगार्ड लेंगे। एक इंटीग्रेटेड चेकिंग पॉइंट, चेक पोस्ट की जगह अब आपका चेकिंग पॉइंट बनेगा, तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ जाएगा, इसका मुझे निजी तौर पर अनुमान नहीं है। लेकिन ठीक है, सरकार की पहल है, हमको इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए क्या होगा। फिलहाल आपको एक बयान सुनाते हैं कि जो यहाँ पेट्रोल चेक पोस्ट पर पदस्थ रहे हैं परिवहन निरीक्षक बघेल साहब, उनका क्या कहना है। शासन की नीतियाँ रहती हैं, शासन को लगा होगा कि निर्बाध रूप से ट्रैफिक चलना चाहिए और कोई अवरोध नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने बंद कर दिए चेक पोस्ट। सर, पिटोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से सरकार को क्या राजस्व जा रहा था, इससे क्या हानि होगी या क्या आम जनता को फायदे होंगे? शासन को 12 करोड़ रुपए सालाना राजस्व जाता था यहाँ से, जो टैक्स और CF के समझौता शुल्क के रूप में वसूला जाता था। अब उसके बाद शासन नई नीतियाँ बनाएगी, उस नीतियों के आधार पर फिर कार्य करेंगे, तब आगे क्या आदेश आता है उसके अनुरूप कार्य करेंगे। सर, पिटोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के ऊपर कई कर्मचारी थे, क्या वे कर्मचारी यहाँ रहेंगे या और कहीं शिफ्ट होंगे? अभी शासन के आदेश के इंतजार में है कि उनकी पदस्थापना शासन जहाँ करेगा वहाँ जाके काम करेंगे। सर, एक फ्लाइंग स्क्वाड के उसमें आया है, क्या पिटोल चेक पोस्ट पर ही फ्लाइंग चेक पॉइंट बनेंगे या और कहीं जाएंगे? अभी इस बारे में कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, जब भी जैसा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होंगे आपको अवगत करा देंगे। तो आपने इस बयान को सुना, अब अगले निर्देशों का इनको इंतज़ार है, लेकिन अब ये चेक पोस्ट पूरी तरीके से सुनी है। आपको याद होगा कि कोविड काल में जब इस चेक पोस्ट पर हम लोग आकर रिपोर्टिंग करते थे, उसके कई सालों बाद हमको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी मिल रही है, इसी पॉइंट पर खड़े होकर हमने हजारों मजदूरों के लिए खबरें बनाई, प्रवासी लोगों के लिए खबरें बनाई, उनके संघर्ष को देखा, पैदल यहाँ चलकर आते थे उसको देखा, और अब उसी चेक पोस्ट पर एक वीरानी देख रहे हैं। आप देखिए, पूरी तरीके से वीरानी छाई हुई है, कैमरा पैन करके आप बता दीजिए, पूरा सा सुनसान है। और धीरे धीरे यहाँ पर तमाम अधिकारी कर्मचारी अब जाने लगे हैं, कटर्स पूरी तरीके से गायब हैं और अब पूरी तरीके से चेक पोस्ट इतिहास बनने की राह पर है।
लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये रेजिडेंस हैं, आगे जाके उनका ऑफिस है। अब ये इनका क्या होगा इसका अभी फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। सर जी इसी बात का तो खुशी है कि चेक पोस्ट बंद हुआ है, न जाम की समस्या बॉर्डर पे, न एंट्री की, बहुत सारी चीज़ जैसे डावर के लिए कि जहाँ नहाने धोने का टाइम था 3-3, 4-4 घंटे कि जाम में वहीं टूट जाता था। चेक पोस्ट पे खड़ी खड़ी रहती थी, उसमें गर्मी थी, जाम में खड़े रहते 2-2 घंटे 3-3 घंटे, जो कुछ भी था नींद पूरी हो नहीं पा रही थी। इधर से जाओ गुजरात जाना कि MP बॉर्डर पार करना है, उधर से आओ तो कि MP बॉर्डर पार करना है, बॉर्डर के चक्कर में मतलब 2-2, 3-3 घंटे ऐसा कि नींद में भी डावर गाड़ी चलाता था। तो RTO चालू रहते थे तब आपको कुछ तकलीफें थी? RTO से तब भी हमें तकलीफ नहीं, क्योंकि आप हमें हमारी गाड़ी में देखिए, टायर टप्पर जो कहीं बीमा फिटनेस सब भी कागज तो हमारे पूरे ही हैं, हाइट भी है ही नहीं हमारी गाड़ी में। उससे RTO साहब भी कभी चेक करें ना तो वो भले उसके 1% भी समस्या में नहीं है, लाइसेंस हमारे पास है, हम गाड़ी जब सब चीज़ जाई चलाते थे तो वो चेक पोस्ट का ऐसा रहता था कि बस 3-4 घंटे टाइम टूटना था और सेट का पैसा भी व्यर्थ था। जैसे कि RTO जो आज भी चेकिंग करता है तो भले वो रोड पर रुक के करे, कहीं भी गाड़ी रुकवा ले, वो चेकिंग करे, कुछ गाड़ी में कुछ कमी निकलेगा तो वो वहीं चालान करेगा। ये RTO की चेकिंग थोड़ी थी, ये तो यहाँ 3 घंटे तोड़ने का टाइम था, टाइम टूटता था हमारा, जिसके बाद भी गाड़ी होने एक पे एक चढ़ती थी, हर डावर को जल्दी रहती थी, मंडी का माल रहता था, किसी को मंडी देनी किसको क्या जल्दीबाजी। फिलहाल खबर यही है कि मध्य प्रदेश के तमाम 44 के आसपास चेक पोस्ट अब बंद हो चुके हैं 1 तारीख से, और सीधे अन्य राज्यों की सीमाएं, चाहे गुजरात से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, वो अब सीधी, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, वो बगैर चेक पोस्ट के सीधे वाहन फिलहाल अंदर घुस रहे हैं। नई चेक पॉइंट की व्यवस्था कब आकार लेगी, उसका स्वरूप क्या होगा, भ्रष्टाचार उससे रुकेगा या कम होगा या थम जाएगा, इंतज़ार कीजिएगा। बने रहिए CB Live के साथ।